भाई बहुत हालत खराब हो रही है, ठंड काफी ज्यादा हो रही है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो हमने जूते वगैरह सब खोले सर। आप लोग देख सकते हो ये इस टाइप से हो रही है लोगों की यात्रा, मतलब अच्छे खासे जानवर को लोग मार दे रहे हैं यहाँ पे। तो यार रात के समय भी रास्ते में कुछ इस टाइप के स्टॉप मिल जाएंगे आपको खाने पीने के लिए, मतलब ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई उन्होंने। तो यार आज का व्लॉग हमारा हो रहा है यहाँ से शुरू। आप लोग भीड़ देख सकते हो शाम के टाइम पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अभी अभी हमें पता चला कि यहाँ पे 6 बजे बाद जो है गेट बंद हो जाते हैं यहाँ पे के। तो यार बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, मतलब यहाँ रोड के बगल में भी चाय आपको 2 गुना रेट में मिलेगी, जो कुछ भी आप लोगे 2 गुना रेट में मिलेगी। और यहाँ से हमारी यात्रा होती है शुरू। इतना खराब आदमी से नहीं, डंडा मांग रहे हो कि मैं भाई डंडा मांग के मैं क्या बोल। तो नीचे आप लोग गौरीकुंड देख सकते हो। धन्यवाद भाई धन्यवाद। अबे चिकन रही हूँ ये खचरा हूँ बहुत मुंडा कर रही हो। तो एक बार यहाँ से भीड़ देखो आप लोग किस हिसाब से यहाँ पे भीड़ आई है। और लोग यार यहाँ पे घोड़े कच्चर जो है ना बहुत गंदे तरीके से जा रहे हैं, कोई गिर जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, तो किसी को मार मार के जा रहे हैं, बस यही सब चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया गेट बन गया, पिछली बार ये गेट नहीं था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो सूरज का भी पहली बार ही है केदारनाथ यात्रा। यार अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, तकरीबन रात हो जाएगी, हमें देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं ऊपर। अभी तकरीबन हम 2 किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं अभी, मतलब हम नॉन स्टॉप हम लोग चढ़े। भाई लोग तो आगे निकल गए हैं क्योंकि हमें थोड़ा कुछ सामान लेना था वापस से। तो यार आई होप कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। लोग मतलब 5:30 बजे के निकले नीचे से, तो देखते हैं कितने बजे तक हम लोग ऊपर पहुँचते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हो ये इस टाइप से हो रही है लोगों की यात्रा, मतलब अच्छे खासे जानवर को लोग मार दे रहे हैं यहाँ पे। और जब तक इनका व्यापार हो रहा है तब तक इनके काम चल रहा है बस, उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इनको यहाँ पे से उठा दें हम, बस पैसा कमाने की सोचिए बस भाई, बस पैसा कमाने तक सीमित है सब लोग, किसी का कोई मतलब नहीं बनता इनको उठाने से, इनकी केयर करने से यहाँ पे। यार ये कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है यार ये।
जब तक तुम्हारा फायदा हो रहा तब तक तुम यूज करो किसी जानवर का, और उसके बाद में फेंक दो मरने के लिए। तो बस अब तीर्थ स्थल जो रखे बस एक व्यापार का धंधा हो गया इनका, और कुछ भी नहीं है। तो अपने भाई लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ऊपर एक अच्छा सा वाटरफॉल आप लोग चेक कर सकते हो। यार सामने पे एक खच्चर देखा आपने, कैसे गिरा मर रखा यार। अबे यार देख रहे हो ना कैसे छोड़ दिया यार, बना दिया मैंने। मतलब यार बहुत गलत बात है ये, अब गवर्नमेंट भी इस पर कुछ नहीं कर रही है, है? जब तक पैसे कमा रहे हैं तब तक बस, जब पैसा नहीं दे पा रहा कोई जानवर तो उसे फेंक दो, ये बहुत गलत बात है भाई। तभी तो आपदा आ रही है यहाँ पे, पता है, इसीलिए तो आ रही है भाई। पहली बात तो जिनके हाथ पैर सही सलामत है वो लोग भाई पैदल चल के चलो, ठीक है। यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि बस उड़ के पहुँच जाओ तुम वहाँ पे। तो यार आप लोगों को पूरी कंडीशन दिखाऊंगा मैं आज केदारनाथ की, कुछ इस टाइप से चल रहा है यहाँ का हिसाब किताब, आप लोग देख सकते हो। बस बेजुबान जानवरों पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। जिन लोगों की सच्ची श्रद्धा होती है ना आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे होते हैं भाई लोग। तो थपलियाल भाई लोग अभी पीछे छूट गए हमसे, हम लोग निकल गए आगे, अब देखते हैं आगे। तो यार अभी बज गए शाम के 6, हम लोग मतलब 2.5-3 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। आप लोग देख सकते हो सामने हिमालय भी दिख रहा है इसमें, पर अंधेरा इतना हो गया कि कैमरा तो फिर भी दिखा रहा है पर सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो लोग अभी भी लगे हैं रात भर यात्रा पे। तो अब थोड़ा 5 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पे, फिर चलते हैं ऊपर सीधा। यहाँ देख सकते हो आप एक और घोड़ा यहाँ पे मरा है यार, बहुत गलत हरकतें हो रही यहाँ पे देख सकते हो आप। जब तक इनसे इस्तेमाल हो रहा है तब तक ये इनका इस्तेमाल कर रहा है, इसके बाद इनको छोड़ दे रहा है। तो बस व्यापारी व्यापार चल रहा है यहाँ पे, बहुत बेकार बात है भाई ये। तो यार हम लोगों को अंधेरा हो गया पूरा, हमें करीबन 3-4 घंटे और लग जाएंगे। तो यार अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पे भैरव मंदिर में, देख सकते हो आप। अभी ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6:30 होने वाला है, 7 बजने वाली है। लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। रात के समय भी रास्ते में कुछ इस टाइप के स्टॉप मिल जाएंगे आपको खाने पीने के लिए, मतलब ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई इन्होंने। इसके अंदर देख सकते हो आप पूरा पूरा ढाबा है इनका। तो भाई ये खच्चर वाले हैं, बिल्कुल भी रास्ता दे रहे लोगों को, पूरे बीच रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत तेजी चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को चलने में। तो यार अभी हम लोग पहुंच गए रामबाड़ा में, कुछ साइड से यहाँ पे का नज़ारा, भाई लोग अभी पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर और है, हम मतलब चलते रहेंगे, मतलब पूरा का पूरा कवर करेंगे। वहाँ थोड़ा लेट हो गई थी हमें, 5:30 बजे तक हम वहाँ से निकले थे। यार रात को भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, सारी की सारी दुकानें खुली हैं यहाँ पे। मैं अकेले लगाऊँ अभी रास्ता,
भाई लोग आ रहे हैं। तो रास्ते भर में पूरी की पूरी लाइटें मिलेंगी आपको, थोड़ा बहुत ही दिखेगा अंधेरा। रात के समय भी आप लोग देख सकते हो केदारनाथ का रास्ता, पूरी की पूरी लाइटें मिलेंगी आपको, पूरा ऊपर तक टॉप तक आप देख रहे हो लाइटों से पूरा रास्ता भरा है, मतलब कहीं पे भी थोड़ी भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। चेक कर सकते हो आप पूरे रास्ते में लाइटें लगी यहाँ पे, और यात्री देख सकते हो आप रात को भी लगे हैं, मतलब रात को भी खाली नहीं है रास्ता, पूरा भरा है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये रात का समय है, तकरीबन 7:30 हो गया टाइम। तो यार ये कोई जगह पहुंच गया हूं मैं, ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है कौन सी जगह है, पर ध्यान में भी नहीं आ रहा है। तो अब ऊपर ही चल के पता चलेगा कौन सी जगह पे पहुंचे हम। तो सामने लाइट्स देख सकते हो यार आप, ये पूरा रास्ता है जितनी लाइट्स आपको दिख रही है, ये कोई भी घर कोई भी कुछ नहीं है, होटल कोई भी नहीं है, सबके सब रास्ते हैं। लास्ट रास्ते पे स्ट्रीट लैंप लगी है, बस वही है जो आपको दिख रहा है। तो यार अभी मतलब हम लोग बीच रास्ते पे रुके हैं, बहुत तकरीबन यार आधे घंटे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल तो क्या ट्रैक कर रहे हैं बहुत देर से। यहाँ पे भाई लोग मिल गए हमें, यहाँ पे थोड़ा चाय मैगी खा रहे हैं हम, तो और भाई लोग पीछे से आ रहे हैं, उनका वेट भी करते हैं, थोड़ा चाय पानी पीते हैं, क्योंकि यार रास्ता भी ऐसा हो रखा है अंधेरे में, मतलब आपको भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा होगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जहाँ पर जा रहा होगा वहीं पर वीडियो बनाऊँगा, बाकी कल दर्शन तो कराऊँगा ही मैं आप लोगों को। तो देखते हैं ब्लॉग कितना लंबा होता है, जहाँ पे भी मतलब इस ब्लॉग के मतलब पार्ट्स बनाऊंगा मैं, एक तो आप लोगों को पहला पार्ट दिखी हुआ पूरा रोड ट्रैवल जो हमने किया था, दूसरा आपको पैदल ट्रैक जो था, अगर यहाँ पे साफ ढंग से नहीं बनेगी वीडियो पैदल की तो मैं नीचे को अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो यार चलिए देखते हैं क्या होता है, बाकी यार बहुत ज़्यादा यात्री आ रखे अंधेरे में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो आई होप कि आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा आप चाय मैगी खाते हैं क्या। तो रात भर हम लोग लगे हैं, देख सकते हो आप अभी स्कूल पे हम लोग, अपना भाई अज्जू, सामने भाई लोग चल रहे हैं, तो आप तगड़ी वाली चढ़ाई या नहीं। तो भाई इस टाइप का नज़ारा है ओए। यार अभी हम लोग मतलब रास्ते में बैठे हैं, तकरीबन टाइम 8:30 हो गया है, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद कंटिन्यूस चलने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि भाई लोगों का वेट कर रहे हैं थोड़ा। तो भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो हमने जूते वगैरह सब खोले हैं। तो अभी हम लोग 3 यहाँ पे बैठे हैं, मैं अज्जू सूरज, बाकी भाई लोग नीचे से आ रहे हैं। तो यार मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप सूरज से भी देखिए आप। अरे तू अंकिल कनी यार क्या छू भाई, इसे देख ले, ये तो इंसान ही तो है यार, जानवर सॉरी केस काट लो। तो यहाँ पे अपने भाई लोग अज्जू के ले, खा 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 खा, यहीं पे रखो यहीं पे भाई, दियो ये शाबाश शाबाश, तुम भी दियो, बताओ भी दियो, बताओ भी दियो, चाय 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 चाय, तो चाय नहीं पिन, चाय नहीं पिन, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अबे फोन पे ना वीडियो में गाड़ ले ले, गोली है तू ना, तू ना गोली है तू ना, तू चलो 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 नहीं चल चलो बाय बाय है। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तकरीबन 11:15 बजे हम दोनों ही पहुँचे हैं, मैं रज्जू, भाई लोग अभी काफ़ी पीछे रह गए हमसे, तो हालत बहुत ख़राब हो गई है यहाँ पे, अब चलते हैं सीधा कैंप की तरफ। तो यार अब इसके आगे का व्लॉग हम लोग कल शूट करेंगे, आई होप कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।